तो घुटेगी ना को। जेल से आने के बाद मैंने संपर्क नहीं तोड़ा, वो संपर्क मेरा बना रहा लगातार, और संपर्क बना रहने का परिणाम ये हुआ कि ठीक है हमने सीधे बीजेपी में नहीं, क्योंकि मैं तो संघ का प्रचारक था, मुझे बीजेपी में उनको लेना भी नहीं था, लेकिन दसों संघ के काम में हमने उनका उपयोग किया। और उनको कभी कभी अपने मोहल्ले में कोई तकलीफ आती थी संघ के किसी कार्यकर्ता से, किसी बजरंग दल के कार्यकर्ता से, किसी कार्यकर्ता से, तो मुझे फोन करते थे, भाई साहब आप ही समझा सकते हो, मैं बात करता हूं बुलाकर। तो ये जो व्यक्तिगत रिश्ते बनते हैं ना, इस व्यक्तिगत रिश्तों का फर्क पड़ता है। हम कई बार तुरंत परिणाम चाहते, रिजल्ट ओरिएंटेड, हम भी भाषण में कहेंगे यार रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करो, अभी चुनाव आ गए, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। हमें चुनाव को ध्यान में रखकर शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना। ऐसे अच्छे लोग छांटो आप और उन अच्छे लोगों से संबंध बनाओ, वो मजहबी लोग होंगे, वो स्कॉलर्स होंगे, जो भी आपके ध्यान में आता है, जो समाज को प्रभावित करते हैं। अभी जैसे एक विषय आया अपने मीडिया उन सबसे, अब ये एक बड़ा विषय अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए, उर्दू पत्रकारिता, उर्दू पत्र पत्रकारें, इनका कहीं बीजेपी में संज्ञान है क्या? हमारा सारे अखबारों की कटिंग लेकर के मीडिया मॉनिटर बनाते हैं, वो हम 5-7 लोगों को देते हैं, उसमें बीजेपी के संबंध में बीजेपी के पॉजिटिव नेगेटिव खबर आती है। अब या तो वो सोचते हैं कि ये तो उर्दू जानते जुनते नहीं, तो इसलिए इनको उर्दू की कटिंग क्या देना। लेकिन उर्दू अखबार बीजेपी के कार्यालय में 4 आए, उसमें क्या पक्ष में छपा है, क्या विपक्ष में छपा है? पक्ष में छपा है तो उनको जरा फोन से धन्यवाद मिल जाए, विपक्ष में छपा है तो जरा प्रेम से फोन करके अरे भैया इतनी गाली क्यों दे रहे हो, आओ बैठो चाय पियो, ये हो जाए। हम तो पढ़ ही नहीं रहे ना, मेरा अभ्यास छूट गया इमरजेंसी में, जेल में मैंने अभ्यास किया था, अले बे पे ते जिम चे है के पढ़ा था थोड़ा सा अभ्यास छूट गया मेरा, बोला तो सही ना मैंने, क्रम से ही बोला ना तो अब ये जैसे उर्दू, क्या अरविंद जी कुछ हमारे आईटी सेल के इंचार्ज है, अब ये जैसे उर्दू पत्रकार है, अब एक बड़ा काम है, केवल आपको ही नहीं पूरी पार्टी को मिलकर करना हुआ, आपके प्रदेश में उर्दू पत्रकारें कौन सी निकलती है, सूची बनाओ, आप मंगाओ, उसका खर्चा आप नहीं कर सकते तो हम प्रदेश से कहेंगे, आप अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश कार्यालय में या मंगाओ उर्दू पत्रकारें, और एक बार किसी एक व्यक्ति को लगाओ कि उनमें क्या छप रहा है क्या नहीं छप रहा, आप आश्चर्य करेंगे, कुछ हमारे पक्ष में भी छाप रहे लेकिन हम संज्ञान नहीं ले, और कुछ इतनी गलत बातें छाप रहे हैं जिससे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन छप रही है। अब हजार लोग पढ़ेंगे वो तो यही मानेंगे ना अखबार में छपाया सही छपा होगा, सामान्य आदमी तो अखबार में छपी हुई बात को एक अलग अर्थ भी लेता है ना, और हम तो पढ़ी नहीं रहे ऐसे हम खंडन भी कैसे करेंगे। तो यदि गलत है तो उसका खंडन जाना चाहिए, लिखकर जाना चाहिए, फोन से जाना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए, और यदि समर्थन में तो आप उसके लिए धन्यवाद का पत्र लिख दो, नहीं तो आप टेलीफोन से बताओ, वो बहुत अच्छा हुआ। मैंने ये भी प्रयोग किए, मैंने यहाँ कई अखबार वालों को, हिंदी अंग्रेजी उस सब के कई चैनल वालों को, कोई उनके मैं देखता हूँ कभी कभी अखबार चैनल, इतना तो समय नहीं मिलता कि 4 घंटे अखबार ही पढ़ते हो, तो सुबह जरा आधा घंटा चाय वाय पीते पीते कोशिश करते हैं अखबारों पर नजर डाल ले, नहीं तो रात को सोते समय डाल लें, या रात को कोई चैनल 15-20 मिनट कोई ना कोई, कोई भी अच्छी बात आती है तो मेरे मन में आती है फोन करके धन्यवाद दो, गलत बात आती है तो मीडिया सेंटर को बताता हूं मैं अपने को थोड़ा बात कर लो, आप आश्चर्य करेंगे। वो संबंध धीरे धीरे निजी से बन गए, एक को जब मैंने धन्यवाद दिया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बीजेपी से धन्यवाद आया है, वो भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, मैं यार भाई आपने अच्छा दिखाया मैं इसे धन्यवाद दे रहा हूं,
उन्होंने कहा बीजेपी से तो हमको गालियां ही आती हैं, ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, ये स्पेस नहीं दी, ये नहीं दी। आज हमको बड़ा सुकून मिला कि बीजेपी से हमको धन्यवाद है। उनको हम दिखाते बहुत सारी अच्छी बातें, अच्छी बातों पर आप कुछ नहीं बोलते, खराब बातें होती है तो हम पर टिप्पणी करते हो। आप आश्चर्य करेंगे, बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े आदमी हूं, एक धन्यवाद का परिणाम यह हुआ कि वो हमारे यहां चाय पीने के लिए आए। काय का परिणाम हुआ ये? उनको हमने ऐड दिए थे क्या है? उनको हमने कोई राजनीतिक फायदा दिया था क्या? क्या दिया था बोलिए जोर से, क्या दिया था? और वो भी उसी के लिए दिया था ना जिसके वो पात्र थे, गलत भी नहीं दिया था ना। ये मैं निजी तौर पर मैंने प्रयोग किए, संघ के दायित्व में था तब भी प्रयोग करता था, और उस प्रयोग का परिणाम था कि मेरा बरेलवी संप्रदाय में भी संपर्क था, देवबंदी संप्रदाय में भी संपर्क, मैं दोनों जगह मिलता था। मैंने बरेली के हमारे प्रमुख लोगों को संघ के कैंप में भोजन पर बुलाया अपने संपर्क के आधार पर, संघ के कैंप में। तो इसलिए मेरा विषय समझ गया ना, मैंने जानबूझकर अपने प्रयोग आपको बताए। तो आप ये प्रयोग कर सकते कि नहीं कर सकते? तो मैंने अभी तीन विषयों की चर्चा की आपसे, एक जो मजहबी ऐसे प्रमुख हैं हमारे उनसे संपर्क, जो स्कॉलर्स है शिक्षा संस्थाएं चलाते लिखते हैं पढ़ते हैं या समाज की ओपिनियन जो निर्माण करते हैं ऐसे लोगों से संपर्क, और एक मीडिया का भी विषय, मीडिया भी एक हवा बनाने का काम करता है, विशेष रूप से चाहे मुस्लिम संवाददाता है, क्रिश्चियन संवाददाता है, चाहे उनकी पत्र पत्रिका है, चाहे अखबार है, ठीक है। आगे चलकर आपका संपर्क आएगा तो कहेंगे अरे भाई चुनाव में इतना आप करते हैं, हमें भी विज्ञापन दिला दो। आप कहो भाई ठीक है प्रयास करेंगे, पार्टी दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं दे तो भाई कह रहे ठीक है अभी हमारा संपर्क संबंध बना है, थोड़ा आप भी बढ़ो आगे, थोड़ा हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इस दृष्टि से प्रयास करिए। अब ऐसे अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, मैं सभी क्षेत्रों का उदाहरण नहीं दे रहा, मेरा कहना देखो अल्पसंख्यक मोर्चे के काम को बढ़ाना और अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से पार्टी का बेस बढ़ाना, पार्टी को वोट भी बढ़ाना, इसमें शारीरिक परिश्रम के साथ साथ थोड़ा सा बौद्धिक जागरूकता यह भी आवश्यक है, और बौद्धिक परिश्रम करना भी आवश्यक है। केवल बौद्धिक परिश्रम से काम नहीं चलेगा, लेकिन वो भी आवश्यक है, और उसके अनुसार पर शारीरिक परिश्रम भी आवश्यक है। इसके अनुसार चीजों को करिए, बाकी फिर आप मुद्दे निकाल कर दीजिए कि भाई कौन कौन से मुद्दे पार्टी को लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कभी कभी कोई एकाध विषय ऐसे आएंगे कि जिनको लेकर समाज में आपको कटघरे में खड़ा किया जाएगा, तकलीफ दी जाएगी, उनसे बताना, सिंपल इतना बताना चाहिए राजनीति है। अब राजनीति में जिनका वोट ज्यादा मिलता है वो पार्टी उनके लिए ज्यादा बात करती है, तो स्वाभाविक है, इतना ही अर्थ उसका समझो। अब जब अपना वोट मिलने लग जाएगा तो थोड़ा हमारा भी वजन पार्टी में कहने के लिए बनेगा, अभी आप कुछ देते ही नहीं हो तो हमारा वजन भी उतना ही बढ़ता है। ये कह के आप पूरी बात समाप्त कर सकते हो बजाय बहस पढ़ने के। इससे कभी कभी कोई बात चलेगी तो कहना है भाई अब आखिर जिस वर्ग का वोट ज्यादा मिलेगा उस वर्ग को थोड़ा संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो करेंगे। इसलिए हर एक राजनीतिक दल में होता है, लेकिन एक बात ये पक्का कही आप, देखिये जैसे कांग्रेस गरीबों की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारे जिन प्रांतों में वाली सरकारें नहीं रही होंगी, किसी काम से भी चली गई होंगी, सब में गरीबों के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ के लोग आए यहां, हुआ है कि नहीं हुआ? मध्य प्रदेश हुआ है कि नहीं हुआ? और उसमें आप इसी विषय को लो, गरीब में हमने भेद किया है क्या? धार्मिक भेदभाव किया है? सभी के लिए काम किया है। आप इसलिए आप कह सकते हो कि कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है। आप इस अर्थ में लेकर जाओ, ये बात ज्यादा करते हैं, इतना करते हैं उसको चिल्लाते इतने ज्यादा,
हाँ हम इतना करते हैं लेकिन चिल्लाते कम है। वो ना चिल्लाने में हमारा एक राजनीतिक कारण भी है, ज्यादा चिल्लाएंगे तो बाकी लोग कहेंगे अच्छा अब इनके लिए ज्यादा कर रहे हो। देखो यार आप सब कार्यकर्ता है ना, तो खुली बात करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए बहुत चिल्लाना भी नहीं है। हाँ समाज में छोटे छोटे ग्रुप में आप बात करो, क्योंकि देखो यार वोट का भी सवाल है, समाज को जोड़ना एक काम है, समाज में राष्ट्रीयता निर्माण करना है, राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ सभी मिलकर चले ये जो हमारा काम है, वहां राजनीतिक दल है, चुनाव है, तो वोट का भी प्रश्न है। इसलिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करनी, और हर प्रश्न का उत्तर आपको ही खोजना है मित्रों। आप हमसे प्रश्न मत पूछो कि साहब ये फलाना ये इन्होंने क्यों बोल दिया और ये नहीं बोलना चाहिए था आदि आदि, जो कुछ बोला है उसका उत्तर सोच करके खुद दे दो आप। दिग्विजय सिंह रोज बोलते हैं, उनका उत्तर कांग्रेस ही दे देते हैं ना अपने आप। अब दिग्विजय सिंह के बोलने से कौन सा वोट बढ़ रहा है कौन सा वोट घट रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी के तहत बोल रहे हो। कभी वो मोदी जी को टारगेट करेंगे, अभी कल से हम देख रहे हैं सुषमा जी को टारगेट कर रहे हैं, परसों किसी को टारगेट करेंगे है लेकिन उन कांग्रेसी उसका उत्तर दे देते हैं। तो बीजेपी में भी किसी ने कुछ बोल दिया तो आप अपने ढंग से उत्तर दे दो ना। मैंने एक तरीका तो बताई, अरे भाई देखो थोड़ा वोट का मामला है, अभी चुनाव चल रहे हैं, बोला और काहे को यहाँ परेशान होते, छोड़ो ना यार ऐसी सब बातें बोल, और ठीक है तुमने कहा है बात करेंगे ऊपर तक पहुंचाएंगे, हर चीज का उत्तर नहीं है लेकिन सामने वाले को कैसे संतुष्ट करना है आपको तय करना है। तो उसके लिए पहली बात अपने दिमाग में प्रश्न नहीं आना चाहिए, अपने दिमाग में प्रश्न नहीं आएंगे तो आप उत्तर दे सकते हो, आपके दिमाग में प्रश्न आए तो उत्तर दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। आपके दिमाग में रहे साहब पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा तो बनाया है लेकिन उसको स्थान नहीं है, उसको महत्व नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो रोने से अल्पसंख्यक मोर्चा खड़ा नहीं होगा, हंसकर हिम्मत से बुद्धि से और शारीरिक मेहनत से जब आप काम करोगे तब अल्पसंख्यक मोर्चा खड़ा होगा, उसके माध्यम से पार्टी का बेस बढ़ेगा।